नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय जय। आज सूरज पापा की कटिंग कर रहा है जबरदस्ती बिठा कर, और यहाँ मेरे पापा का मुंह बना हुआ है। छोड़ वो कटिंग का यार, कटिंग मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मेरे सारे बाल खराब कर दिया। बाल कहाँ खराब हुए भाई, ठीक है यार। चल चल, बाप का हुलिया बिगाड़ क्या तेरे। मशरूम कटिंग कर दे, मशरूम कटिंग कर दे, आगे से बेबी कट कर दे, बेबी कट। सूरज हंसी बहुत आ रही है। सूरज द बाइबल, सूरज द बाइबल, वाह क्या कटिंग है, जीरो फेर दिया भाई। वो ठीक लग रहा है, ये माल लग रहा है। अच्छी मूड खराब हो गया पापा का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और ये मक्खी उड़ रही थी ना, तो फेस एक्सप्रेशन ऐसे बन गया। हमारे घर के पीछे जो हल्ला सुनाई दे रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आज कुछ खतरनाक हो रहा है बहुत ज्यादा। ऐसे मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का ऐसा कुछ विचार था नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना रोमांटिक सीन देख के सूर्य ने फौजी ट्रेनिंग के साथ बाल काटने की ट्रेनिंग मिली है। यार सर मेरे सब कुछ उनका बाल काट रहे। कैसे बाल काट रहे बताओ, ठीक तो है आपके? छोटी के जूड़ा कैसे बना रहा सर? इसमें वो लगा दे, कैसे बांधते छोटी के? फूल फूल लगा दे, फूल। हाँ ऐसे ही करते, ठीक है। चाणक्य नाई वाला स्टेप, नाई वाला स्टेप करते नाई। अरे मारता भी तो ना। हाँ मार, ये पीछे से मारे, पीछे से बुआ देख रही है मेरे भाई का हुलिया क्या कर दिया इन लोगों ने। ब्लेड मार पीछे, यहाँ से जो ये भूरे भूरे बाल होंगे इधर ब्लेड छिले। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गर्मा गर्म खबर ये है कि मेरे पापा के यहाँ पे बाल काटे जा रहे हैं, वो भी बड़े स्टाइल में। और एक बाल काटने के लिए चार चार लोग पापा के मुंडी के पीछे पड़े हुए हैं यहाँ पर। और वैसे हमको भी हंसी आ रही है पापा के बाल कटते हुए देख के, लेकिन हम हंस नहीं सकते हैं क्योंकि पापा को गुस्सा आ जाएगा फिर। हैं, कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है। और यहाँ पर पापा को फ्री फंड की मसाज भी दी जा रही है बाल काटने के साथ साथ दोस्तों। और यहाँ पापा को बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जब पापा एकदम बड़े शीशे में अपना थोपड़ा देखेंगे तो पापा को समझ आएगा कि एकदम पापा मशरूम लग रहे हैं चलता फिरता। बेटी की शादी के लिए पापा को यहाँ रेडी किया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, गौर कीजिए एकदम गर्दन पे। हटा दे रहा, हटा दे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मशरूम रख के काटा है पापा के बाल, तख्ती रख के काटे हैं। सूर्य ने कराया था, इसको खुद को बहुत हंसी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करता हूँ अपनी हंसी को। किस लिए कर रही है, ये कर रहा है? छोड़ दे मुझको। हट पापा के। देखो बहन अपने भाई की परवाह करते हैं यहाँ पे। क्या खाएगा बाबू, बाबू क्या खाएगा बाबू, बाबू ठीक क्यों लग रहे होंगे बाल आपके यार? पापा भी तो हीरो लग रहे हैं यार। नहीं हम सब एक साइड हो चुके हैं और एकदम बहन वहाँ पे पल्ला कर रही है कि मेरे भाई को गर्मी ना लगे। एक दिन पापा ने सूर्य क्या किया था तेरे साथ? पापा ने सूर्य को ठंडे पानी से नहला दिया था ना। मम्मी मम्मी ठंडे पानी से नहला दिया था ना पापा ने सूरज को बचपन में? क्यों क्यों नहलाया था? क्योंकि इसने बाल, पापा इसके बाल ज्यादा छोटे कर दिए थे। हाँ। तो इसको अपने बाल करना था, मैं नहाऊंगा नहीं अब मैं नहाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी कटिंग छोटी कर दी है। और पापा ने इसको ठंडे पानी से नहला दिया, और मौसम कौन सा था, ठंडा था क्या? सर्दियों में ठंडे पानी से नहला दिया पापा ने, गुस्से में ना सूर्य को ठंडे पानी से नहला दिया। रोते रोते नहाया वो, ले लिया ना उसने बदला। हाँ प्यार से हो गई। पापा कह रहे तू जो तू मेरे कपड़े मंगा रहा है वापस कर दे शादी के लिए, तूने मेरा जुलूस निकाल दिया, मेरे को नहीं पहनने कपड़े। लोग बोल रहे होंगे इतना क्यों अपने पापा के साथ शोषण कर रहे हैं कि एक ये नाई के पास नहीं भेज सकते अपने पापा को,
है? हम अपने पापा को किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते भाई, नाई के हाथ में भी नहीं। हम अपने पापा के बाल खुद खुद करें, ऐसे लग रहा है प्री नर्सरी में एडमिशन कराना है बाबू। तो यार वो ये क्या सर, मैं उलझन का बाल है वो आ नहीं रहे, मैं आपको बाल बताऊंगा। तुम्हें यार डंडी लाना है, बड़े मुझे साले बाल आ रहे हो। अब हो गया ठीक है, 11 पे नहीं है क्या बाल? ये चुकाने मुश्किल हो रहे। अरे मैंने फिर बच्चे सितंबर में फिर कितने के रहे हो? सितंबर में गंदा नहीं होना, नीचे से कटिंग करा दो। हो गया गाइज़, हम लोग फुला रहे हैं बलून्स, और बलून्स क्यों फूल रहे हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। बहुत खास मोदी जी आ रहे हैं हमारे घर पे। अभी बताती हूँ आपको, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, और थोड़ा सा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। आगे लेके नाइट सूट में चली जाऊँ? तू तो कुछ भी बोलेगा, तू तो बोलेगा मैं आलू के कट्टे वाली बोरी लपेट के चले जाऊँ। मम्मी कितना संघर्ष कर रही है देखना। ओ मम्मी मम्मी गलत कर रहे हो आप, आपको टेक्निक नहीं आ रही है गुब्बारे फुलाने की, सच बता रही हूँ आपको। हाँ मैं चल रही हूँ, मैं कपड़े चेंज करके दोस्तों अभी मिलती हूँ आपको, फिर बताती हूँ गुब्बारे क्यों फुला रहे हैं। तू चुप कर, चल ये तो सोच नहीं, तू मुझे ये बता बाहर कट्टा पड़ा आलू का, कट्टा नहीं होता वो लपेट के चल जाओ। जल्दी कैसे परेशान हो रहे, परेशान नहीं मम्मी कह रहा है लगाऊंगा, दो लगाऊंगा तेरे कान के नीचे, ऐसे बोल रहा मम्मी है। मम्मी वो कोई मेरा दादा नहीं है, मैं उसकी दीदी हूँ, दादा दादा है। कैमरा ऑफ है तो ताला लगा। तेरी वीडियो बना दी अंदर, देखो देखो पता है। देखो दोस्तों आपने कुछ सुना भी आई, क्या बोल रहा था मेरे को है, कह रहा है जैसे बोला ना वीडियो बना रहा है, अच्छा वीडियो बना रही हूँ तो अच्छे से साफ करता हूँ। मम्मी देख लो कैसा है ये है। चल दूसरा बना, एक्टिंग सब एक्टिंग। मम्मी से टांग की थी मेरी। चुप यार मम्मी, जब देखो मेरा बाबू है मेरा राजा है, यही काम है मम्मी का और कुछ नहीं। पाठ आज मैंने पूरा अपना यहाँ चमकाया है दोस्तों, पूरा साफ सफाई करके अच्छे से मैंने धोया है इसको, अपने वरांडे को। आ रही हूँ यार, रुक जा एक मिनट यार, अलग ही इसको रुक जा मेरे को थोड़ा अपना वो तो बताने दे यार। सो गाइज मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए छोटा सा, अब एक्चुअली थोड़ा सा आपको एक छोटा सा स्नैच बताती हूँ, इसको ज़्यादा ही जल्दी लगी है जाने की। तो हुआ है ऐसा कि ये जो मेरे घर पे आ रही है ना, ये है मेरी बचपन की फ्रेंड, और ये इतनी मतलब पहले तो हमारी दोस्ती एकदम आसमान छूती थी। इसको टीचर्स बहुत मना करते थे कि प्रिया के साथ नहीं बैठना है, फिर भी जिद करके मेरे साथ ही बैठती थी, मतलब काफ़ी अच्छा था हमारा। बड़े होते ना फिर बड़े हो जाते हैं, फिर अपने अपने रास्ते अपने अपने काम ये सब हो जाता है, तो इस वजह से तो इसके साथ काफ़ी अच्छी और बुरी भी मेमोरीज हैं मेरी, बुरी से बुरी मेमोरीज भी हैं और बहुत अच्छी यादें भी हैं। तो क्या हुआ कि जब भी इसका बर्थडे होता है तो अपनी फैमिली के साथ ही बनाती है, मैं इसके बर्थडे में कभी भी शामिल नहीं हुई आज तक। वो है ये मेरे बचपन की फ्रेंड बट कभी नहीं, बट ये मेरे बर्थडे में हमेशा शामिल होती थी, क्योंकि मेरा ये रहता था कि मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स दोनों को इन्वाइट करती थी, बट ये फैमिली के साथ ज़्यादा बनाती थी एंड फ्रेंड्स के साथ अलग, बट उस पार्टीज़ में मैं नहीं जा पाती थी। तो अभी भी इसका रिसेंट बर्थडे था 27 तारीख को, तो इसने मुझे बुलाया, मैं फिर नहीं गई, तो क्योंकि थोड़ा दूर भी है, दूर भी क्या मतलब, फिर मेरे को कैब वैब करके वो सब बहुत सी चीज़ें थी, घर पे भी काफ़ी काम लगा हुआ था, तो बस ऐसे ही हो जाता है ना जब हम बड़े हो जाते, तो और भी स्यापे हो जाते हैं ज़िंदगी में। तो ये मुझे हमेशा ना
टॉन्ट मारती रहती है कि तूने कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ये इसलिए नहीं कि वो मेरे को टॉन्ट मारती है तो मैं कर रही हूँ, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। बट मैं अब जाने वाली हूँ शादी के बाद थोड़े ही टाइम में, तो जाते जाते कुछ अच्छी मेमोरी सभी के साथ बना के जाना चाहती हूँ। सो इसलिए ये छोटा सा एक गेस्चर है उसके लिए, दैट्स व्हाई मैं कर रही हूँ। और इसलिए नहीं कि उसने मेरे लिए, हाँ उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया भी है, मतलब मेरे बर्थडे में भी काफ़ी उसने सरप्राइज गिफ्ट्स प्लान ये वो सो, बट मैंने कभी नहीं किया, ये पक गया है। तो चलते हैं यार, मेरी बोले इधर आना मामू, इधर देख। हाँ चलो ठीक है, देखिए चलते हैं, ठीक है। सो होप सो उसको एक छोटा सा ये प्यारा सा गेस्टर पसंद आए, तो चलिए चलते हैं केक की दुकान में। नमस्ते अंकल। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं बेकरी शॉप पे और लेते हैं इसके लिए केक। ये छोड़ के चलेगा मुझे, क्या ये इतना ऑफर करता नहीं है, करता है यार, करता मुझे खाने के लिए ऑफर करता है ये, बट मैं खाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो हमने केक लेना था, वो हमने ले लिया है यहाँ से, हाँ यहीं से लेके आई थी ना काजू बिस्किट। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर पर और मौसम इतना चिपचिपा हो गया है, बारिश का मौसम ऐसे होता है यार, पहले तो मतलब ये सूखी गर्मी फिर भी कहीं ठीक होती है, लेकिन ये जो चिपचिप वाला मौसम होता है ना बहुत ही बेकार होता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट से केक लेकर, और पहना मेरा नाइट सूट ही है, बट ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही घिस चुका था मेरा नाइट सूट, और लेकिन गर्मियों में घिसे हुए कपड़ों में ही ज़्यादा आनंद आता है, ऐसा है ना। तो अभी बलून्स वगैरह फूल चुके हैं, फुला दिए हैं मतलब मम्मी और पापा हैं भाई ने, तो बस इसको लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत टेबल पर लगाऊंगी, और फिर वो आने वाली है, बस उसका फ़ोन आ गया तो शायद उसको लग जाएगा, अभी आधा घंटा शायद लग जाएगा अभी, वैसे वो वहाँ से निकल गई है अपने जहाँ पे गई है वो काम से, तो फिर मिलती हूँ आपको उसको सेट करके, ठीक है। तो बलून्स मैंने कुछ इस तरह लगा दिए, सिंपल सा ही किया है, और आपको एक चीज़ दिखानी है मुझे, ये देखो ये कैंडल्स है ना जो, ये पता कितनी पुरानी है, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी 2017 में शायद, और अब है 2024, तो मैंने आज तक नहीं इसको जलाया इस कैंडल्स को, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसको लाइटन अप किया जाए, इतने टाइम से मैंने संभाल कर रखी हुई थी, इतने सालों से, मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, मेरे फ्रेंड ने, वो लोग नैनीताल घूमने गए थे तो वहाँ से गिफ्ट किया था मुझे, ये प्यारी है ना, तो मैंने कहा चलो आज इसको जलाते हैं, और कुछ इस तरह से मैंने ये लगा दिया है यहाँ पर। तो चलिए उसका वेट कर रही हूँ मैं, आएगी तो मैं उसको लेने जाऊँगी बाहर, फिर मिलती हूँ आपको। यस मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरी उसके साथ अच्छी और बुरी मेमोरीज हैं, काफ़ी बुरी मेमोरीज इवन। तो होता है ऐसा यार कि हमारे मतलब हम अगर किसी के साथ कनेक्टेड हैं तो उनके साथ बहुत बुरी से बुरी चीज़ें भी हम लोग के मतलब साथ हो जाती है, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो रिश्तेदारी का हो या फिर दोस्ती का हो या फिर वो प्यार का हो, मतलब ऐसा होता है कि लड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सिचुएशन ख़राब ऐसी हो जाती है कि ये कि इसको मैं मार दूँ कि क्या करूँ, ऐसा वाला हाल भी हो जाता है समटाइम्स लाइफ में। बट फिर वही होता है जैसे जिनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म का रिलेशन रहता है ना, तो फिर ये रहता है कि या तो ऐसा होता है सिचुएशन कि वो वैसा रिश्ता नहीं बन पाता, बट फिर भी चलो ठीक है, हमारा एक रिश्ता था इतने सालों से तो हम बातचीत बंद नहीं करते हैं, और या तो फिर हमारा जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन हो जाती है। तो इस बात से मुझे ये बात याद आई, तो हाँ बुरी मेमोरीज भी हैं उसके साथ पर कुछ अच्छी भी हैं, तो अब मैं बुरी मेमोरीज को याद नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है जो था, और मतलब बुरी बातों के बारे में बात करनी भी क्या, जो है वो अच्छा है टाइम, और जब बुरा वक्त आता है तो बहुत कुछ सिखाता भी है, तो मुझे बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया भी है, और इसकी वजह से बल्कि मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, तो थैंक्स टू गॉड। सो बस वही आदत है ना ही बोलेंगे, सो बस वही, तब इसका वेट हो रहा है, उसका फ़ोन आया था कि मेरे को नियर बाय, मैं उस पर आ जाऊँगी लोकेशन पर, मुझे लेने आता ना। तो वैसे मैं व्लॉगिंग काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन आपने उसको कभी भी मेरे व्लॉग में नहीं देखा, क्योंकि हम मिलते बहुत रेयर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर मिलते हैं पहले, और पहले ऐसा होता था कि हम बहुत ज़्यादा मिलते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब, बट उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं बनाती थी, तो फिर बाद में हम लोग दूर दूर भी हो गए क्योंकि घर अलग अलग हो गए, मतलब वो शिफ्ट हो गई थी, तो वो लेकिन जो शिफ्ट हुई है वो इस साइड पर शिफ्ट हुई है हमारी साइड पर,
थोड़ी मतलब यहाँ से 20-25 मिनट शायद लगते हैं, तो ये इसलिए वो नहीं दिखती, और फिर वो अपने काम पर बिजी और मैं अपनी जॉब पर बिजी, तो इस वजह से भी नहीं हम साथ में दिखते थे। तो आज भी शायद इसके साथ इतना मैं ब्लॉगिंग नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि इतना यूज टू नहीं है अभी मैं उसके साथ, और वो पहली बार फिर ऐसे मेरे को एकदम से किसी को अपने ब्लॉग में लेना वो लगता है कि, क्योंकि सामने वाला भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, और मैं भी आज इतने टाइम बाद मिल रही हूँ तो खुल के बातें ही मारूंगी। थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगी, जस्ट स्मॉल क्लिप, ठीक है? तो चलिए अब सीधा ही मिलूंगी आपको जब वो आ जाएगी। ओके चलिए चलिए। अच्छा कौन है तेरा किडनैप करने वाली? कौन छोटा सा यार अरे चल 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 बस बहुत छोटा सा ये वो तू मेरा बर्थडे तो क्या कभी बनाया नहीं है ना इसलिए बना रहे हम छोटा सा बैठे बैठे। ओ देख तब से खोखला हो गया, तब से कैंडल्स का सिर मुंड गया पूरा। हैप्पी बर्थडे। ओ गया वैसे क्यों पता था कि मेरा बर्थडे की पहली बार ही जिंदगी में पत्थर की नाक से फर्स्ट टाइम बना रही है ऐसे चेहरे लगाई जिसे मैं चार जने लेके अबे वहां बैठ जा। मुझे मार दे क्या गल गई और वो गल चुकी है ऑलरेडी। वो देखना कैसा खोखला होगा, उसका सिर खोखला हो चुका है। आ जाओ साथ में काटते हैं। तू बस तेरे सामने फोन साथ में काट है नहीं बस ना तुम ऐसे करो मैं कर लूंगी मैनेज। नहीं करूंगी ना तू बैग काट तो ले मैं कर लूंती हूं। तू बैग से कर लूंगी। मुझे नहीं पता तू अपने घर में मेरा ना। अरे मैंने कहा यार चल ठीक है यार छोटा सा गेस्ट है आपके लिए। चलो 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 जिंदगी भर इस दिन को आप नहीं ले पाई। अबे कैंडल मुझे ये बात में बताइए यार नाम तो देख ले क्या लिखा है मैंने पहलवा मुझे पता नहीं यही तो पड़े। अच्छा चलो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर पायलवा हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई अब तक पता नहीं। अरे फटाफट किया तेरा ऑन द स्पॉट कॉल आ गया था फटाफट गई मार्केट में। अरे बर्थडे है ना। अच्छा तू गया वो तो और गया। सो इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन। अरे तूने लाइट्स पूरी जलाई है यार। अच्छा आ जा रहा है जा रहा इसको कर लेती हूं। इसको आ जा गॉट योर थैंक यू आंटी जी आई विल कैरी तू रेडी चल रहे मम्मी ये पकड़ मैं तो ऐसे भी खिला दूंगी वैसे नहीं बट तू देना उन्हें ठीक है ऐसे खिला दूंगी मैं तुझे बड़ा खिलाऊंगी ना। अबे नहीं बड़ा मत खिलाऊं जे क्यों नहीं पत्थर ले जी ना अच्छी देगी खिलाना चाहिए पहले। अरे वो तो मैं तू बात नहीं कर रही ओह मुबारक हो बेटा तुमको मुबारक हो हमारी बचपन की दोस्ती को पहली बार हमारी जिंदगी में केक कटा है मैं याद रखूंगी अपना बर्थडे जिंदगी में शादी से पहले मुझे तोहफा देके जा रही गाइस इसलिए बनाया है जाने से पहले अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करनी है। अरे रोने का नहीं है यार मस्त रहो। पूजा भी बोल रही थी मुझे। गाइस मेरी फ्रेंड जा चुकी है अपने घर अभी गई है वो और टाइम 10 बज गए हैं बाप रे 10 बज गए हैं। मैंने अंकित से भी बात नहीं करी तो मैं अभी उनको कॉल करूंगी और अभी मेरे घर में चल रहा है वहाँ पर मैं क्या बना रहे हैं क्या बन रहा है पनीर की सब्जी बन रही है और भाई कर रहे हैं यहाँ पर फोटो फ्रेम में फोटो लगा रहा है। बुआ नॉनवेज खाती है ना हम नहीं खाते हैं तो फिर बुआ के लिए नॉनवेज तो नहीं बना इसलिए हम पनीर बनाएंगे मैं और मैं उनके दो कॉल के लिए थे जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बढ़ी रही थी जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं अरे उनसे बात कर मैं ब्लॉग बना रही हूँ और सीधा गए अंदर और टी शर्ट पहन के आ गए कि आज मेरे को फिर लेगी बनियान में इससे अच्छा मैं टी शर्ट पहन के आया हूँ। हाँ अच्छा ये टी शर्ट बड़ी अच्छी लगी आपको किसने दिया ये मेरी बेटी थी एक मम्मी आप बोल रहे बेटी थी एक अपने आप दिया फिर मेरे को मैंने गिफ्ट किया था ठीक है ना और यहाँ पे ना फोटो फ्रेम में फोटोज लगा हाँ हाँ झूठ कौन मिली बताओ
तेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी बड़े सीनियर सीनियर थी थोड़ी नेपाली में वाली से दिखती है ना हाँ हाँ अच्छा वो देखी क्या बोल रही थी तुमको फोटो निकाल दिया तो क्या कुछ कहा प्रिया भी मेरी तरफ से और कुछ भी बोला अच्छा ओके मैं नाम तो भूल गई लेकिन मुझे बाय फेस याद हो सो हेलो फ्रॉम माय साइड आल्सो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरे पापा और भाई मिले और आपने उनसे बात करी अच्छा व्लॉग देखते हैं बोला मुझे एक दिन मैसेज भी आया था मेरे स्कूल में सीनियर थे बट हम स्कूल में कभी ऐसे टच में नहीं रहे क्योंकि सीनियर थे तो फिर क्या बट ऐसे कभी कभार दिख जाते थे बाय फेस हमें याद है तो वो मेरे ब्लॉग देखते एक बार उनको बहुत बड़ा कमेंट भी आया था कि हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पे मतलब ऐसे ब्लॉग्स वगैरह बनाते हुए देख के तो फिर मुझे एकदम से याद आया बाय फेस अच्छा ये तो मेरे स्कूल में सीनियर थे सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव तो चलो दोस्तों मैं कर लेती हूँ अंकित जी को कॉल और फिर आपको मिलती हूँ इस ब्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू ठीक है